नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत। और आज हमारा सफर होने वाला है न्यू दिल्ली से काठमांडू तक, यानी कि इंडिया से लेकर नेपाल तक का फ्लाइट से कैसे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे हम कैसे सफर करते हैं इंडिया से नेपाल के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो न्यू दिल्ली से अगर आप फ्लाइट का टिकट कराता है काठमांडू के लिए नेपाल के लिए, तो आपको 7636 रुपया लोवेस्ट प्राइस देना पड़ता है, और अगर आप तत्काल में लेते हैं तो 10,000 से 15,000 के बीच में आपको पड़ेगा। ये देख सकते हैं एंट्री पॉइंट है, जब भी आप जाते हैं, जब आप टिकट बुक करा लेते हैं तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे, जो कि बैग चेकिंग होगा आपका। देन आपके पास टिकट होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, तब आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए फिर आपको यहाँ से दिया जाएगा। तो अभी जो है हमारा एयर इंडिया में फ्लाइट में जो है वो सफर होने वाला है, और एयर इंडिया का हम फ्लाइट आपको बता दें जिसका एयरक्राफ्ट है 32A AI-215, जो कि इकोनॉमिक्स क्लास में हम सफ़र करने वाले हैं, और इसमें 8 केजी तक आप अपने साथ केबिन में ले जा सकते हैं। साथ में अगर 20 केजी से अबव है तो आपको 8 केजी से अबव 20 केजी तक है तो आप उसको लगेज में डाल सकते हैं। तो इसका अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एयरक्राफ्ट, जो कि एयर इंडिया का है और बहुत ही बेहतरीन है। 1 घंटे 30 मिनट में हमें पहुँचाएगी काठमांडू, जो कि हमें पड़ा है 7654 रुपये, और अगर आप पहले कराते हैं तो पड़ता है, अगर आप नियरेस्ट में कराते हैं तो आपको 10,000 से 15,000 के बीच में देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट का रेंज आगे पीछे इंक्रीज और डिक्रीज होती रहता है। तो इस तरीके से है, आपको बता दें कि जब भी आप नेपाल के लिए जो है ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपके पास होना चाहिए एक आईडी प्रूफ और उसके साथ साथ में COVID-19 का वैक्सीन जो आपने लिया है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो ये है, और जैसे ही आप देखिए न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये एयरपोर्ट के अंदर है, जो कि आप देख सकते हैं लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको एयर इंडिया का, स्पाइस जेट का, अलग अलग फ्लाइट की अलग अलग जो है आपको काउंटर मिलेगा, जहाँ पे जाके आप बोर्डिंग पास अपना ले लें, और अपना अगर लगेज 8 केजी से अबव है तो आप उसको डाल सकते हैं तो अभी जो है इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप बहुत सारे मशीन भी रखे गए हैं, जहाँ पे आप बोर्डिंग पास खुद ही निकाल सकते हैं और सिर्फ आपको लगेज देना पड़ेगा। तो बोर्डिंग पास में लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे PNR नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो कि आपका टिकट में PNR नंबर डाला हुआ रहता है, वो PNR नंबर डालिएगा तो यहाँ मशीन से आपका बोर्डिंग पास निकल जाएगा, और बोर्डिंग पास निकलने के बाद उसमें गेट नंबर लिखा हुआ रहता है कि कौन से गेट नंबर में आपकी फ़्लाइटें लग रही है, क्योंकि बहुत सारे गेट होते हैं अंदर में जो पार्किंग एरिया में, जिस पार्किंग एरिया में लगाया जाता है एयरक्राफ्ट को, फ्लाइट को, उसी में आप जाके फिर बैठ सकते हैं। अंदर में आपको सारी व्यवस्था मिल जाती है, रेस्टोरेंट है, उसके साथ साथ में वाइन्स आपको मिल जाएगा शॉपिंग करने के लिए, एक से एक चीज़ जो भी आपको शॉपिंग करना है, मॉल टाइप से पूरे बनाया गया है, स्टैंडर्ड आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्मोकिंग रूम भी बनाया गया है जहाँ पे आप जाके स्मोकिंग कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में आप देख सकते हैं बनाया गया है एयरपोर्ट को, और टर्मिनल 2 जाएँ या 3 जाएँ या 1 जाएँ, तीनों टर्मिनल में आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। जगह जगह पर वाशरूम की सुविधा है, साथ साथ में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेडिकल इमरजेंसी ये सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर बैठने के लिए जो है बहुत ही अच्छे सोफ़ा लगाया गया है, जहां पे आप बैठ के और आराम कर सकते हैं। जब आपकी फ्लाइटें हैं तब फिर यहां से आप फ्लाइट ले सकते हैं। आपको बता दें कि न्यू दिल्ली से विस्तारा चलती है, रॉयल नेपाल एयरलाइंस चलती है, इसके साथ साथ इंडिगो चलती है, एयर अरबेसिया चलती है, तो इस तरीके से बहुत सारी फ्लाइटें हैं जो कि फ्लाई दुबे चलती है, काठमांडू के लिए चलती है। तो ये फ़्लाइटें को सिंगापुर एयरलाइंस भी चलती है, जो कि काठमांडू जाती है सिंगापुर होते हुए, तो ये सारी फ़्लाइटें जो है वो आपको काठमांडू के लिए मिल जाएगा। इंटरनेशनल लेवल का फ़्लाइटें भी चलती है, साथ साथ में डोमेस्टिक फ़्लाइटें भी चलती है। ये जब आप अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं पार्किंग की बहुत सारे पार्क करके रखा जाता है यहाँ पे एयरक्राफ्ट को, ये गो एयर है, इसके साथ साथ इंडिगो मिल जाएगा। और अब हम बैठ चुके हैं यहाँ पे फ्लाइट में, और बैठने के बाद आप देख सकते हैं जब फ्लाइट के अंदर आप बैठेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, और ये देखिए बहुत सारी फ्लाइटें जो है यहाँ से उड़ान भी भर रही हैं। तो ये है यहाँ पे, जब आप जाएंगे बहुत ही मज़े आएंगे। ये एयर इंडिया का सबसे पहले आप देख सकते हैं एयर इंडिया का यहाँ पे फ्लाइट लगा हुआ है। तो अभी हमारा इसी में ट्रैवल होने वाला है, 1 घंटे 30 मिनट में हमें काठमांडू पहुँचाएगी, काठमांडू नेपाल, काठमांडू का एयरपोर्ट जो कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फेमस है। और ये आप नज़ारा देख सकते हैं दिल्ली से, जब ये उड़ान भरती है तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा नीचे के लोकेशन में, पूरी तरीके से जो है धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाती है, जब नीचे से चालू होता है तो ऊपर की ओर, और ऊपर जाने के बाद ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल में चला जाता है। तो अभी हम यहाँ से
नेपाल की ओर सफ़र कर रहे हैं और नेपाल में 1 घंटे 30 मिनट का जो सफ़र है दिल्ली से, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये फ़्लाइट के माध्यम से है। अगर आप जाते हैं फ्लाइट से, नहीं जाना चाहते हैं, और अगर आप जाते हैं ट्रेन से, तो आपको बिहार होते हुए जो है बहुत सारी बसें मिल जाती हैं नेपाल के लिए। दिल्ली से भी बस मिल जाएगी, वहाँ से जा सकते हो। ये देखिए उड़ान, जब आप ऊपर आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, नीचे बादल ही बादल आपको पूरी तरीके से दिखेगा। देख सकते हैं, अब हम लैंड करने वाले हैं काठमांडू में, जो कि ये पूरा दिल्ली से सफ़र हुआ और बिल्कुल राइट टाइम पे फ्लाइट में। एक चीज़ है कि आपको बिल्कुल राइट टाइम पे चलती है। और ये देखिए काठमांडू में हम उतर चुके हैं और ये है अलग अलग फ्लाइटें यहाँ लगी हुई है, और अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हैं ये है कुछ इस तरीके से पार्किंग व्यवस्था रहती है काठमांडू एयरपोर्ट में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग फ्लाइटें जो है, एयर इंडिया का हो या फ्लाई दुबे हो, ये सारी फ्लाइटें लगी हुई है। दूसरी जो है ये फ्लाई दुबे है जो कि सिंगापुर होते हुए जाती है, तो ये बहुत सारी फ्लाइटें यहाँ से चलती है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है, जिसका कोड है KTM, जिसे ओपन किया गया था काफ़ी साल पहले, और उसके बाद ही यहाँ से काफ़ी सारे फ्लाइटें चलती है। तो नेपाल एयरलाइंस हो या फिर अनेक हिमालय एयरलाइंस हो, जो कि मल्टीपल डोमेस्टिक कैरियर जो है यहाँ से बनाया गया है, जाती हैं, अलग अलग लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, और बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। इसका रनवे की बात करें तो वो भी काफ़ी लंबा है। दो टर्मिनल है दोस्तों यहाँ पे काठमांडू एयरपोर्ट में, जहाँ पे एक है जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग आते हैं वो वहाँ उतरते हैं, और दूसरा है डोमेस्टिक, जो कि आप इंडिया लेवल में अगर यहीं से जाते हैं तो आपको दूसरे में निकलना पड़ेगा, दूसरे में आप आते हैं। इसके साथ साथ VIP गेट भी बनाया गया है, जहाँ पे VIP लोग जब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा, तो वो भी यहाँ पे जो है उतरते हैं, अलग उसके लिए बनाया गया है। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए भी बनाया गया है, जहाँ पे जो भी एयरलाइंस होते हैं उसे एयरक्राफ्ट को जो है मेंटेनेंस के लिए भी लगाया गया है। तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि काठमांडू एयरपोर्ट है, वो 0.6 मीटर, मतलब यानी कि लगभग 500 मीटर जो है, वो पशुपाथिन टेम्पल जो है, पशुपाथिनाथ टेम्पल वहाँ से है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। इसके साथ साथ में अगर आप सिटी सेंटर जाते हैं काठमांडू का, तो 6 किलोमीटर का रेंज पड़ेगा, जो कि बाहर में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ऑटोज वगैरह कैब वगैरह मिल जाएगा एयरपोर्ट से जाने के लिए, तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ में नेपाल आप जब भी जाते हैं इंडिया से, तो आपको कोई भी इनोग्रेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ID प्रूफ दिखाएंगे, वहाँ उतरेंगे और देन आप नेपाल में घूम सकते हैं, नेपाल में जा सकते हैं, कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। नेपाल में एक चीज़ ये फ़ायदा है कि आप इंडिया के हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल बिना वीज़ा का जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट का जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो, कभी भी आप प्लान बना के यहाँ पे जा सकते हैं और देन आप यहाँ पे नेपाल में घूम सकते हैं। नेपाल में घूमने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी ज़्यादा महंगा नहीं है। होटल का खर्च आपको 500 से 5000, जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आप होटल ले सकते हैं, गेस्ट हाउस ले सकते हैं, और साथ साथ में खाने पीने के लिए आपको फूड वगैरह यहाँ पे सस्ता ही मिल जाएगा। जहाँ तक इंडिया का जो रुपीज़ है वहाँ पे चेंज हो जाता है, तो वो आपको एयरपोर्ट में चेंज कराना पड़ेगा। एयरपोर्ट में भी व्यवस्था, जहाँ से आपका पैसा जो है वो नेपाल में चेंज हो जाता है जैसे ही आप जाते हैं, तो यहाँ इंडिया रुपीज़ जो है वो वहाँ आपका चेंज होगा, जो वहाँ लोकल का बैलेंस है वो आप ट्रांसफ़र करके फिर वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का वहाँ पर कुछ पैसा भी बढ़ जाता है, जो कि रुपया में कुछ वहाँ ट्रांसफ़र भी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, अगर 10 रुपया तो वहाँ 15 या 17 या 14 ऐसे ही हो जाता है। तो ये चीज़ें फ़ायदा है कि आप कम पैसे में नेपाल में अच्छे अच्छे जगह पे घूम सकते हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी देखिए यहाँ पे भी पूरी तरीके से बनाया गया, टर्मिनल 1-2 जो भी है उसमें दोनों में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ में सारी व्यवस्था, शॉपिंग करने के लिए आपको सुविधा मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छी संख्या में बनाया गया, अलग अलग गेट बनाया गया जहाँ पे अलग अलग लोग जो है वो आते हैं, और अलग अलग सब कुछ यहाँ पे बनाया गया। तो बहुत सारी फ्लाइटें यहाँ से चलती है, विस्तारा हो या फिर तिब्बत के लिए हो, या फिर सिंगापुर एयरलाइंस हो, श्री एयरलाइंस हो, कतार एयरलाइंस हो, नेपाल एयरलाइंस हो, मलेशिया एयरलाइंस हो, ये सारी जो है कोरिया एयरलाइंस हो, तो ये सारी जो एयरलाइंस है वो यहाँ से चलती है, बहुत सारी फ्लाइटें यहाँ से चलती है, और नियरेस्ट होटल जो है वो बिल्कुल 200 मीटर के नज़दीक पे है, एयरपोर्ट गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे वहीं पे आपको मिल जाएगा, जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा नज़ारा था और ये पूरा ट्रैवल था।
आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये पूरा हमारा सफर था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सफर में। और 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 30 मिनट में आप पहुँच सकते हैं नेपाल, जब भी आप इंडिया से प्लान बनाते हैं। हाँ, आपको टिकट पहले करना पड़ेगा ताकि आपको कम रेंज में जाना पड़ेगा, 7600 रुपये पड़ेंगे, मतलब 7000 समथिंग पड़ेगा अगर आप पहले कराते हैं तो, उससे भी पहले कराते हैं तो 6000 समथिंग पड़ेगा। तो ये पूरा सफ़र था, बहुत सारी फ्लाइटें इसके अंदर होती है, बाहर स्वच्छ रखा गया, बाहर देख सकते हैं झंडे वगैरह लगाया गया, साथ साथ में इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन रखा गया। तो ये पूरा सफ़र था न्यू दिल्ली से आपका काठमांडू के लिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियो हमने बनाया जो कि आप कमेंट में और आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं, और भी वीडियो और भी फ्लाइट की जानकारी हमने दिया है। आपको कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। होटल की सुविधा की बात हमने बता दिया, काठमांडू एयरपोर्ट आप इस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप जाएंगे फ्लाइट में एक जगह पर टर्निंग लेता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, नीचे आपको पूरी तरीके से पहाड़ पहाड़ नज़र आएगा, ऊपर में जो टर्निंग लेता है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ये देखिए बाहर में बहुत सारी कैब लगी हुई है, आपको आ जाएंगे छोड़ने के लिए, तो इन सभी के माध्यम से जा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली एयरपोर्ट या काठमांडू एयरपोर्ट या और कहीं के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।